दिल्ली सचिवालय के अति सुरक्षित कमरे से घोटालों की फाइल्स में हेराफेरी किए जाने का मामला आखिरकार मनीष सिसोदिया की राह का कांटा बन गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही ईडी लगातार ये दलील दे रही थी कि मनीष सिसोदिया गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके लिए ईडी ने अपनी दलीलों में इस बात का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रात को सतर्कता विभाग के विशेष सचिव के कमरे से कई दस्तावेजों को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। इसमें दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत FIR भी दर्ज की है। दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने ये दलील दी और कहा कि मनीष सिसोदिया को किसी किस्म की जमानत दिए जाने से सबूतों के नष्ट होने का खतरा है। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी के स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट तलब की है और इसके पहले पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित ठाकुर ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को बताया कि अदालत के आदेशों के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मुलाकात करने के लिए घर ले जाया गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वे अस्पताल चली गईं। इस लिहाज से पत्नी के अकेले केयर टेकर नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए सख्त शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि ईडी के वकील पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ये बयान दे रहे हैं। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। एडवोकेट जोहेब ने प्रस्तुत किया कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान है, उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिससे उन्हें LNGP अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 2 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील मोहित माथुर ने बीमार वाइफ का एकमात्र केयर टेकर होने का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से जमानत पर छोड़ने का अनुरोध किया था। इस पर जस्टिस शर्मा ने अवकाश के दिन हुई सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया। दूसरी तरफ उन्होंने LNGP अस्पताल पर एक रिपोर्ट मंगाकर शाम तक उन्हें दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया सेवा विभाग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रात को विशेष सचिव सतर्कता के कमरे से कई दस्तावेजों को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। इसमें दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत FIR भी दर्ज की है। ईडी के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी 20 वर्षों से इस तरह की बीमारी से पीड़ित है। पहले भी इसी आधार पर अंतरिम जमानत के लिए याचिकाएं लगाई गई थी, जिसको पूर्व मंत्री ने वापस ले लिया था और पूर्व डिप्टी CM के पास 18 विभाग थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।